नमस्कार, मैं हूं अर्चना गुप्ता और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। कुछ चटपटी तो कुछ तीखी, कुछ अपराध से जुड़ी तो कुछ सनसनी, ऐसी तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोतवाली पीलखुआ के NH9 स्थित जल्टा फूल प्राइवेट लिमिटेड कोल्ड्रिंक फैक्ट्री में उप जिलाधिकारी व खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। लगभग 14 लाख रुपए का कोल्ड ड्रिंक्स बनाने का एक्सपायर मटेरियल बरामद किया गया। एक्सपायर मटेरियल का सैंपल लेकर एक्सपायर माल को किया जा रहा था सेल। अगर इससे एक्सपायर मटेरियल से ड्रिंक तैयार की जाती तो न जाने किस किस की स्वास्थ्य खराब हो सकती। आपको बता दें कि जाला कंपनी पीलखुआ कोतवाली क्षेत्र स्थित जनता फूड प्राइवेट लिमिटेड में आज उप जिलाधिकारी व खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और कोल्ड ड्रिंक को चेक किया। सभी कोल्ड ड्रिंक ठीक निकली। जब अधिकारियों ने रॉ मटेरियल की जांच की तो रॉ मटेरियल एक्सपायर मिले, जिनका अधिकारियों ने सैंपल लेकर सील कर दिया। उप जिलाधिकारियों ने बताया कि तकरीबन 14 लाख रुपए की कीमत का 20,000 लीटर एक्सपायर मटेरियल था और इससे तकरीबन 7 लाख बोतलें तैयार की जाती हैं। अगर एक्सपायर मटेरियल से यह बोतलें तैयार हो जाती है तो न जाने कितने लोग इसको पीकर बीमार हो जाते हैं और न जाने किस किस तरह की बीमारी से लोगों को जूझना पड़ता। ये कंपनी है जाल्टा फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, नाम से संज्ञान में आया था कि इनके यहाँ कुछ एक्सपायर्ड मटेरियल भी रखे हो सकते हैं। तो मैंने डीओ साहब जिले के अफसर हैं खाद्य विभाग के, इनके साथ में कई फूड सेफ्टी अफसर भी हैं और मैं साथ में आकर के टीम के साथ में यहाँ पर क्या छापा रखा था और जिसमें पाया गया कि जो बोतलें बनाई जाती हैं वो 200 से 250 ml की कोल्ड्रिंक बनाते हैं। मैंगो के भी हैं, जूस के भी हैं, जलजीरा भी है। तो जो बनी बोतलें पाई गई वो तो एक्सपायर डेट में नहीं है आज की तारीख में, लेकिन जो इनके मटेरियल्स हैं जिससे बनाते हैं जूस और कोल्ड ड्रिंक्स, वो मटेरियल्स इनके एक्सपायर डेट के बिल में है। वो लगभग 91 ड्रम है और करीब 3 लीटर के भी कुछ ड्रम थे, कुछ छोटे छोटे बॉक्स हैं जो 3 लीटर के हैं, वो 102 हैं, यानी कि लगभग 20,000 लीटर ये मैंगो पल्प पाया गया है जो एक्सपायर डेट करा है। इसकी कीमत लगभग 14 लाख है और इससे अगर ये बनाते बन जाता इनका जूस और कोल्ड ड्रिंक तो वो लगभग 7 लाख बोतलें तैयार होती। इस सब चीज़ों को एक्सपायर्ड की स्थिति में आते हुए उसका सैंपलिंग कर ली गई है, जांच के लिए भेजा जा रहा है, मौके पर सीलिंग की कार्रवाई कर ली गई है। तो कंपनी मालिक के खिलाफ भी कोई किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है? की जा रही है। जो सिस्टम ये है अभी तो सीलिंग कर दी गई, उसके बाद खाद्य विभाग द्वारा ही लिखा पढ़ी करके इसमें सैंपलिंग की जाएगी और जो भी स्थिति उनके खिलाफ मैक्सिमम हो सकती है, अगर गलत निकलता है तो उनके खिलाफ। रविपाल, सीआईबी इंडिया न्यूज, हापुड़। अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके आसपास कोई खबर हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साथ ही आगे की खबरों की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।